ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में वन विभाग ने जंगल में आग लगने की घटनाओं पर 90% तक काबू पाने का दावा किया है। विभाग ने दो तरीकों से ये कामयाबी हासिल करने में विशेष रूप से दो अहम उपायों को अपनी सफलता का मंत्र बताया है। विभाग की माने तो पहले नायब उपाय में वन मंत्रालय द्वारा देहरादून में लगाए गए सैटेलाइट से पूरे देश की तर्ज पर ऊना जिले के जंगलों पर भी नजर रखी जाती है और आग लगने पर कर्मचारियों को मिलने वाले SMS के बाद तेजी से उस आग पर काबू पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में वन विभाग ने जंगल में आग लगने की घटनाओं पर 90% तक काबू पाने का दावा किया है। विभाग ने दो तरीकों से ये कामयाबी हासिल करने में विशेष रूप से दो अहम उपायों को अपनी सफलता का मंत्र बताया है। विभाग की माने तो पहले नायब उपाय में वन मंत्रालय द्वारा देहरादून में लगाए गए सैटेलाइट से पूरे देश की तर्ज पर ऊना जिले के जंगलों पर भी नजर रखी जाती है और आग लगने पर कर्मचारियों को मिलने वाले SMS के बाद तेजी से उस आग पर काबू पाया जाता है। विभाग का दावा है कि देश भर में जंगलों में लगभग 99% आग लगने की घटनाएं निजी भूमि पर लगे वनों में लोगों द्वारा आग लगाने से होती है। इसलिए दूसरे बेहद कारगर तरीके में निजी भूमि पर वन में भी बिना अनुमति आग लगाए जाने पर भी जुर्माने को 5,000 रुपए से बढ़ाकर प्रति कनाल यानी 1,80,000 प्रति हेक्टेयर किया गया, जिसका असर ये हुआ कि लोग अब आग लगाने से पहले विभाग की अनुमति लेते हैं और इससे आग लगने की घटनाओं में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में पिछले 10 सालों के मुकाबले 90% कमी का दावा करते हुए केवल 45,000 के नुकसान का अनुमान लगाया है। इस बार मैं काफी प्रसन्नता से मैं बताना चाहूंगा कि ऊना वन डिवीजन मंडल द्वारा जो अनूठी पहलें की गई और जो लोगों द्वारा भागीदारी जाहिर की गई, उससे हमने 80% से ज़्यादा घटनाएं जो हैं आग की जो हर साल लगती थी उसमें कमी देखने को मिली है। और इसमें हमने इस बार जो प्राइवेट एरियाज़ में जो आग लगती थी उसको भी कंट्रोल किया और जो फॉरेस्ट एरिया तक उन्हीं प्राइवेट एरिया से आग पहुंच जाती थी उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी हमें देखने को मिला है। और टोटल 45,000 जो है लॉस इस साल हुआ है, जो कि 90% कम है पिछले 10 साल के मुकाबले। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो सेंटर है देहरादून में, उसमें एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कोई भी यूज़र कोई भी ऑफिसर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और जो एरिया में वो रजिस्टर करता है उस एरिया की जब भी आग लगती है उस एरिया में तो उसकी जानकारी उसको SMS द्वारा दी जाती है। तो उससे जब भी कभी किसी एरिया में आग लगती थी तो हमारे फॉरेस्ट गार्ड को जो है SMS जाता था तुरंत और उससे भी उसको जानकारी मिल जाती थी कि उसके एरिया में कोई भी आग लगी है। जो वॉलंटियर्स हमने रजिस्टर किए थे उन वॉलंटियर्स को भी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के द्वारा मिलती थी। तो इसके अलावा जो है हमने फायर टेंडर सिस्टम बनाए थे, जो मोबाइल फायर टेंडर सिस्टम जिसमें हमने एक पिकअप को हायर किया था और सिंपल 2,000 लीटर्स की जो वाटर टैंक है उससे हमने फायर टेंडर सिस्टम बनाया और जब भी कभी रोड साइड में कभी आग लगती थी तो उसका उपयोग किया। इसके अलावा जो हमने जागरूकता अभियान किया, डोर टू डोर कैंपेन किया, जहाँ जहाँ हमारे जो फॉरेस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं फॉरेस्ट फायर से पिछले सालों के को देखते हुए, उनमें ज़्यादातर हमने जो है ये जागरूकता फैलाई और जो कंपनसेशन रेट्स थे उसको भी बढ़ाया ताकि वो डेटरेंट का इफेक्ट करे, ताकि लोग जो हैं विभाग को सूचित करें जब भी वो अपने प्राइवेट एरिया किसी मलकियत में आग लगाना चाहते हैं।